नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2020 मारुति सुजुकी डिजायर और टाटा एल्ट्रोज के बारे में। आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से आपको मारुति सुजुकी डिजायर फेसलिफ्ट की बजाय टाटा एल्ट्रोज को प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आप भी इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करना है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो इन दोनों ही गाड़ियों में कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि एक सिडान है और एक हैचबैक है, लेकिन दोनों ही गाड़ियां जो सब 4 मीटर सेगमेंट के दायरे में आती हैं और दोनों ही गाड़ियों के जो प्राइसेज हैं वो एक दूसरे के वेरियंट्स को ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इस वीडियो का मकसद कोई हमारा डिज़ायर की बुराई करना नहीं है, डिज़ायर एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बल्कि आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताना है जो कि अगर आपके लिए मायने रखती हैं तो आपके लिए डिज़ायर की बजाय टाटा एल्ट्रोज एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। तो जिन लोगों की हाईवे ड्राइव जो है वो ज़्यादा रहती है, जो लोग जल्दी जल्दी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, गाड़ी 80-100 की स्पीड पे चलती है, तो ऐसे में आपके लिए टाटा एल्ट्रोज जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हाईवे पे सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और टाटा एल्ट्रोज जो है वो इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है। टाटा एल्ट्रोज को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है ग्लोबल एनकैप से। और वहीं अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर मारुति सुजुकी के हटैक प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो सेफ्टी के मामले में इस प्लेटफॉर्म का फीडबैक जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम बात करें इसकी सिबलिंग गाड़ियों की, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की और मारुति सुजुकी बलिनो की, तो सेफ्टी रेटिंग में वो उतना अच्छा खास कर नहीं पाए। मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 2 स्टार मिलते हैं और मारुति सुजुकी बलिनो को 3 स्टार मिलते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो टाटा एल्ट्रोज है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के मामले में बेटर है डिज़ायर से। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें पीछे की तरफ 3 लोग जो है वो काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकें, तो आपके लिए टाटा एल्ट्रोज जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि जो टाटा एल्ट्रोज है वो इंडिया की वाइडेस्ट कार है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो टाटा एल्ट्रोज जो है वो 20 mm ज़्यादा चौड़ी है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी डिज़ायर, जिसकी वजह से आपको पीछे की सीट्स में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि एक सिडान होने के नाते डिज़ायर की रियर सीट्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इस पर 2 ही लोग जो है वो अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप ध्यान से इसकी रियर सीट्स को देखें तो रियर सीट्स की जो बैक है वो दोनों कॉर्नर से मुड़ी हुई है, दोनों कॉर्नर से बेंड है, जिसकी वजह से 3 लोग जो है वो उतने कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। अगर यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं तो जो कॉर्नर्स पे लोग बैठते हैं उनको थोड़ा मुड़ के बैठना पड़ता है। और वहीं अगर हम बात करें शोल्डर स्पेस की, तो शोल्डर स्पेस भी उतना नहीं मिल पाता। और इसके अलावा टाटा एल्ट्रोज की अगर हम बात करें तो टाटा एल्ट्रोज की जो रियर सीट्स है वो बिल्कुल प्लेन है पीछे से, जिसकी वजह से 3 लोग जो है वो काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं हम डिज़ाइन की। तो वैसे तो डिज़ाइन जो है वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें टाटा एल्ट्रोज की, तो टाटा एल्ट्रोज का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। उसका डिज़ाइन जो है वो किसी और गाड़ी से मिलता जुलता नहीं है। काफ़ी एग्रेसिव लुक्स के साथ जो है टाटा ने अपनी एल्ट्रोज गाड़ी को उतारा है। ऑन रोड बात करें तो काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी वाली गाड़ी लगती है, सबसे अलग दिखती है ये गाड़ी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। और वहीं अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ायर का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। पहली बार मारुति सुजुकी ने डिज़ायर को 2017 में लॉन्च किया था, जब इसका नाम जो है स्विफ्ट डिज़ायर से हटाकर डिज़ायर रख दिया गया था, और एक कंप्लीट नए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। और अभी 2020 में इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें इसमें हमें माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके बम्पर में और इंटीरियर में, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है इस गाड़ी का वो पहले वाला ही है, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ऐसे में ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो 3 साल पहले वाला ही है और थोड़ा सा कोमल लगने लगा है। और वहीं अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज एक नए फ्रेश अवतार में नई गाड़ी लॉन्च हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एल्ट्रोज का डिज़ाइन जो कि बिल्कुल फ्रेश है वो मारुति सुजुकी डिज़ायर पे भारी पड़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों की डिज़ाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा? ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। और अगर आप एक कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो लोग इन दोनों ही गाड़ियों के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं।
चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं प्राइसेस की। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ अगर हम बात करें मारुति सुजुकी डिज़ायर की और एल्ट्रोज़ की, तो दोनों ही गाड़ियों के हर वेरिएंट के प्राइस में करीब करीब 70,000 से 1 लाख तक का डिफरेंस है, और जो डिज़ायर है वो कॉस्टलियर साइड है। ऐसे में अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको कम बजट में सारे के सारे सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर मिले, तो यहाँ टाटा एल्ट्रोज़ जो है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जिनकी वजह से आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर की बजाय टाटा एल्ट्रोज को प्रेफर करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।